दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार की आंखों में मिर्ची डाल दिया। लूट की वारदात को अंजाम। घटना चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के समेलपुरा गांव के पास की है। घटना चित्तौड़गढ़ में बदमाशों की हौसले इतने बुलंद हैं वो दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से पता चल रहा है। महावीर कॉलोनी निवासी राजेश उथाने कोतवाली में दी रिपोर्ट में बताया कि वह शनिवार सुबह करीब 11 बजे नेतावल के पास अपने खेत पर कार में जा रहा था। इसी दौरान सेमलपुरा चौराहे के समीप दो युवक एक बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए और कार पंचर होने की बात कहते हुए मेरे ऊपर वार कर दिया और कार का शीशा तोड़ दिया और चाकू दिखाकर आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और सिर पर हमला भी कर दिया। साथ ही धमकाकर हाथ में पहनी दो सोने की अंगूठी और गले में पहनी 5 तोले की सोन चैन लूट कर ले गए। घटना के बाद घबराए राजेश ने कोतवाली पहुंची रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खड़ा होता मम्मी ने बोला कि आज वो सब्जी खत्म हो गई थी, जहाँ से सब्जी वगैरह लेकर थे आप सब्जी वगैरह बाहर की थी। मैं निकला कोल्ड लाइन से थोड़ा सा अंदर निकला और बंदे आए थे गाड़ी के ऊपर, वो बांध के तो घर को आवाज़ दी कि भैया आपका टायर पंचर हो गया। तो मैंने हल्का सा कहा नीचे करके देखा पंचर तो नहीं है। जैसे ऐसा बोला मैंने उन्होंने मुट्ठी भर के मेरे पर मिर्ची फेंकी। मिर्ची फेंकने के बाद मैंने क्या फटाफट कांच चढ़ा दिया। कांच चढ़ाया तो उन्होंने क्या करा, कांच फोड़ के और मेरे को गाली गलौज करी कि ये चेन वगैरह दे दे, मतलब को भी खत्म कर दिया। कितने तो लगी चेन थी? 105 तोले की चेन थी और आधा लेकर कितने रुपये का? ये 450 थी। और मुंह बंदा मगर बांध रखा था, वो गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं थी। तो पुलिस को रिपोर्ट कर दी? हाँ रिपोर्ट कर दी।